इनकम टैक्स रिटर्न विभाग द्वारा आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है और इससे पहले आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी आय मूल छूट सीमा से कम होने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई सारे लाभ होते हैं। यूं तो सीनियर सिटीजन के आय के स्रोत काफी कम होते हैं, लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करना उनके लिए भी अनिवार्य होता है। वरिष्ठ नागरिकों को नील आईटीआर दाखिल करना होता है। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वरिष्ठ नागरिकों की आय छूट सीमा से कम है तो वो आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगर उनकी आय केवल पेंशन या बैंक जमा के ब्याज के रूप में होती है तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि उन्हें नील आईटीआर फाइलिंग का लाभ मिल सकता है। जिन वरिष्ठ नागरिकों की कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है उन्हें शर्तों के अधीन अपना कर यानी टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 194 पी के तहत 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आय का रिटर्न दाखिल करने से छूट देती है, बशर्ते उनकी कुल आय में केवल पेंशन आय और निर्दिष्ट बैंक से ब्याज आय शामिल हो। इसके लिए सीनियर सिटीजनों को सलाह दी जाती है कि वो विदेशों वीजा प्रसंस्करण के दौरान आवश्यकताओं पात्र नुकसान को आगे बढ़ाने आदि सहित लाभ प्राप्त करने के लिए आय का रिटर्न दाखिल करें। नील आईटीआर दाखिल करने के फायदे। सीनियर सिटीजन आईटीआर दाखिल करके कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब उनकी आय 3 लाख रुपए की मूल छूट सीमा से कम हो। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लोन लेने के लिए आईटीआर मांगा जाता है और अगर आप आईटीआर भरते हैं तो इसका लाभ आपको लोन लेने में होता है। वहीं आईटीआर भरने का दूसरा फायदा कि आईटीआर आय के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिससे आपको भविष्य में सरकारी अधिकारियों को जमा करना पड़ सकता है। वहीं विदेश यात्रा के दौरान वीजा अधिकारियों द्वारा आमतौर पर पिछले साल का आईटीआर मांगा जाता है। टीडीएस और टीसीएस से संबंधित रिफंड और छूट का दावा केवल आईटीआर दाखिल करने वाले पर ही किया जा सकता है। वहीं नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ का दावा करने के लिए आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो लाभ प्राप्त करने के लिए अभी दाखिल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।